हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ. यस लेट्स बिगिन द डे. थोड़ी देर पहले उठी हूँ. उठ के जस्ट थोड़ा स्ट्रेचिंग किया है क्योंकि उससे पूरी नींद भाग जाती है. आई वॉश्ड माय फेस, ब्रश माय टीथ एंड देन अब बस चेंज करते हैं, फटाफट से वर्कआउट कपड़े पहनते हैं एंड देन जिम है होटल में वहाँ जाते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं एंड या देन विल सी यू. नो मैटर वॉट आई एम ट्रैवलिंग, अगर जहाँ पे जिम नहीं होता है वहाँ पे मैं सूर्य नमस्कार योगा कर लेती हूँ. यहाँ पे जिम है तो मैं 30-40 मिनट्स ट्रेडमिल करूँगी एंड देन कार्डियो हो जाएगा एंड देन फिर आई डू सूर्य नमस्कार बाहर पूल साइड पे जाके मस्त एकदम, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है. देयर इज नो वन, आई लाइक द वे इट इज. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट. And my workout is done guys and after workout I came to pool side क्योंकि जिम के बाहर ही जस्ट पूल है एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग हेयर डूइंग माई ब्रेथ वॉक लाइक अनुलोम विलोम कपाल भारती, ये मैं करती हूँ 10-15 मिनट, तो वो मैंने किया. अभी आई एम ऑल डन एंड हियर इज द पूल. पूल में जाने का चांस ही नहीं मिला बिकॉज यू नो माई स्केड्यूल, लाइक इट वॉज सो पैक हियर. मैं डेली शूट कर रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी, तो ये वर्कआउट हो गया. अब रूम में चलते हैं, शावर लेंगे एंड तब थोड़ी देर बाद, मतलब कूल डाउन होके थोड़ी देर बाद शावर लेंगे. डन विद माय शावर एंड स्नान करने के बाद की जो फ्रेशनेस होती है, हाँ हाँ, ये मतलब इससे अच्छा तो कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता. एंड गाइज फाइनली वी आर लीविंग दिस प्लेस एंड सेइंग बाय टू दिस होटल. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू जयपुर फॉर नाउ. होपफुली वील सी यू सून. अभी चलते हैं, चेकआउट करते हैं एंड हमारी कैब बुलाते हैं. लेट्स गो. तारिका से बाद में पूछेंगे. तारिका को जयपुर कैसा लगा? जब हम निकले, हम मस्त होटल से निकल गए. मैंने रास्ते में ऐसी जस्ट ट्रेन का शेड्यूल चेक करने के लिए चेक किया ऑनलाइन, तो आई गॉट टू नो दैट ट्रेन तो ऑलरेडी सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुंच गई है. एंड ओ माई गॉड, तारिका के जो लुक्स थे आप दे, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट उस टाइम मैं भी बहुत टेंशन में आ रही थी. बट हाँ, जयपुर दिल्ली इज़ नॉट दैट फार, तो ये हमारे लिए सबक है कि टाइमिंग दो बार चेक करो, डबल बार चेक करो, क्योंकि मैंने वो टाइम वाला ना कभी कभी इशू हो जाता है और वही हुआ. अभी तो ठीक है क्योंकि हमें डायरेक्टली वहाँ पर भैया जो कैब में हमने उबर करी थी उन्होंने सीधा हमें बस स्टैंड छोड़ा और बस स्टैंड पे बस खड़ी हुई थी क्योंकि 12:30 निकलने वाली थी, तो हमको बस एग्जैक्टली बस मिल गई और हो गया. बट वो जो सेकंड एसी की टिकट के जो पैसे थे ट्रेन के, वेस्ट हो गए, क्या कर सकते हैं. सो अभी हम यहाँ पर एक फूड कोर्ट है NH3 में, वहाँ पर है हाईवे किंग एंड वी आर हैविंग लस्सी ओनली बिकॉज ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हैवी किया था कि अभी कुछ खाने का मन नहीं है. तो वी आर गोइंग टू हैव लस्सी एंड देन विल गो एंड स्लीप क्योंकि 5:30 बजे बस का टाइम है दिल्ली पहुँचने का. अभी 3:30 हो रहे हैं, 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे. हाँ जी,
लकी अस कि हमें डायरेक्टली बस मिल गई उसी टाइम पे, नहीं तो फिर कैब वैब करना पड़ता या पता नहीं क्या करना पड़ता। हमने लस्सी ऑर्डर की, लस्सी ऐसी है कि जिसको खाना पड़ रहा है, पीना नहीं खाना पड़ रहा है। लुकेट तारीख स्पून से खा रही है, मतलब हमने उसको बोला भैया लस्सी पीने की चीज़ है, खाने वाली लस्सी आपने कैसे दे दी है, विचित्र अद्भुत। लस्सी को खाया जाए। खा ले खा ले, कोई बात नहीं। अमाउंट ऑफ कार्स, दिस इज गुड़गांव से दिल्ली एंटर करने वाला रोड, लाइक एयरपोर्ट रोड, एम्बियंस मॉल के बाद वाला। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। वन इटर्निटी लेटर, घर आके घर का खाना खाने की खुशी कुछ और है। दाल चावल बनाया है, खाना खा के पूरी डिटेल में बात बताती हूँ। द नेक्स्ट डे गाइस, आई एम सो सॉरी सबसे पहले तो, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कल रात को खाना खाते खाते शूट किया था, एंड देन आई वाज लाइक कि खाना खा के बताती हूँ पूरा डिटेल में, बट इतनी हालत नहीं थी कि मैं शूट करूँ, और उसके बाद बस क्रैश हो गए, लाइक सो गई थी मैं। अभी सुबह उठी हूँ और हाँ जी, तो मैं अब बताने की सिचुएशन में हूँ कि चलो कल हुआ क्या था। तो एक्चुअल में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि हमारी ट्रेन कैसे मिस हो गई, मैं टाइमिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। रात की 1 बजे की ट्रेन थी, आफ्टरनून की 1 बजे की समझे, एंड उसके बाद वी टुक अ बस। लकीली हमें जिस ऊबर को बुक किया था स्टेशन के लिए, वो हमें ले जाकर उन्होंने बस स्टैंड के पास खड़ा किया, और वहाँ पर बस जा ही रही थी, दैट वॉज अ वॉल्वो गुड बस। तो हमने बोला कि चलो ये पिक कर लेते हैं, इसमें ही हम निकल जाते हैं। तो 12:30 की बस थी, उसका टाइम था एस्टिमेट 5:30 बजे दिल्ली जाने का, बट बिकॉज गुड़गांव से दिल्ली वाला जो रोड है वहाँ काफ़ी जैम लगता है, बहुत ज़्यादा जैम लगता है। और यहाँ पर मैं डाल भी दूंगी वो वाला क्लिप मैंने जो लिया था, इतना भयंकर जाम था कि वहाँ पर बस 1.5 घंटा फंसी रही, और हम 6:30 बजे धौलाकुआ पहुँचे। धौलाकुआ में हमने सोचा कि हम कैब कर लेते, पर हमारी हिम्मत नहीं है कि हम मेट्रो वेट्रो से जाए, पर हमने कैब किया। तो कैब जो है 1/2 घंटा वेटिंग दिखा रहा था, मतलब 1/2 आवर के बाद हमें ड्राइवर आता पिक करने के लिए धौलाकुआ, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर इतना जैम था कि ड्राइवर आता कहाँ से हमें लेने के लिए, वो कैब ड्राइवर कहाँ से आता, तो ये हमारा सिचुएशन नहीं जम पा रहा था। तो व्हाट वी डिड कि हमने मेट्रो स्टेशन गए, हमारे पास मेट्रो का कार्ड भी नहीं था क्योंकि हम मेट्रो से नहीं जाने वाले थे, तो हम नहीं लेकर चल रहे थे। बट देन हम मेट्रो गए, हमने वहाँ से टोकन लिया, धौलाकुआ से हमने नोएडा तक की, नोएडा सेक्टर 52 तक की हमने टिकट ली। और उसके भी बीच में एक ये हुआ कि धौलाकुआ से मयूर विहार तक के लिए जो पिंक लाइन है, वहाँ से चलने के लिए 15 मिनट चलना पड़ता है, एंड एस्केलेटर पे हम चले जा रहे हैं। ओ माय गॉड, इट वाज सो टायरिंग। एंड देन फाइनली हम मेट्रो में बैठे और हम अपना घर वापस आए, और घर आते आते जो है वो हमें बच गए थे 9:30, और इतनी भूख लगी थी क्योंकि सुबह हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था होटल में, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया था रास्ते में, बस एक लस्सी पी थी, वो भी ऐवें कहाँ चली गई पता नहीं, लिक्विड ही थिंग। तो यप, घर आने के बाद खाना बनाया, लाइक दाल चावल मैंने बोला ये तो बना ही लेते हैं फटाफट से बन जाएगा, कुकर पे चढ़ाई दाल एंड चावल बनाए, दाल चावल खाया, और बस फिर हम क्रैश सो गए। तो गाइस बस इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट जो है उसकी शुरुआत भी एट द सेम टाइम कर दूँगी। तो तो यस, इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। इट वॉज़ अ वन ट्रेजिक डे, मिसएप्स का वहाँ पर हद पार हो गया, और बट हाँ, अंत भला तो सब भला। अभी आपसे यहाँ पर लेते हैं विदा, एज आई ऑलवेज से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूँ ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो टुमारो। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।